गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले मैं ये सेशन कर क्यों रहा हूँ कि जो लोग मुझे जानते हैं, मैं एक साल से इंस्टाग्राम पे मैंने कंटेंट बनाना चालू किया। एक साल में लगभग मेरे पास 2 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पे आ गए। बट इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा था कि 1 मिनट की रील से मैं ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पा रहा था। एंड जो भी कॉन्टेंट पे रीच आई वो बेसिकली थोड़े फनी टाइप के कॉन्टेंट, जैसे कि मैंने ऑपरेटर की रील बनाई थी जिसपे 5 मिलियन व्यूज है, तो वो सब रील पे ज़्यादा कॉन्टेंट पे व्यू ज़्यादा आ रहे थे। पर जो वैल्यू कंटेंट है, क्योंकि 1 मिनट में मैं क्या ही एक्सप्लेन कर लूंगा, राइट? मैं एक्सप्लेन लाइक एग्जाम्पल्स नहीं ले सकता, सिर्फ मुझे फटाफट बोलना है एंड वो रील खत्म। तो आप लोगों का फीडबैक आया कि सर कुछ और वैल्यू दीजिए जिससे हम थोड़ा सीख पाए। तो मैंने सोचा कि हर सैटरडे एक सेशन रखेंगे, एजुकेशनल सेशन रहेगा, राइट? कंप्लीटली फ्री रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट को मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, क्या प्रोसेस फॉलो करता हूँ। एंड सी, ट्रेडिंग अगर सच कहूँ तो एक लोनली जॉब, राइट? एंड ने सेबी की अगर रिपोर्ट भी पढ़ी होगी तो 90% ऑफ ट्रेडर्स डोंट मेक मनी। तो ऐसा नहीं है कि आप मेरा वेबिनार अटेंड कर रहे हो या किसी का कोर्स कर रहे हो तो यू विल बी प्रॉफिटेबल, ये कड़वा सच है, राइट? बट एक चीज है कि सी, जो 10% क्या सही करते हैं, जो प्रॉफिटेबल है, एटलीस्ट अगर आप उस पाथ को भी फॉलो कर लो कि ओके, ट्रेंड के साथ रहना है, जो भी छोटी छोटी चीजें होती है, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। तो मेरा प्लान है कि इस वेबिनार जो हम हर सैटरडे करेंगे, जो कंप्लीटली फ्री रहेगा, इसमें उन सब नुआंसेस को टच करें। सी, मैं आपको कोई टिप्स नहीं देने वाला हूँ, वापस डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, यहाँ पर जो भी डिस्कस करेंगे ये कोई टिप्स नहीं है कि कल जाके आप उसमें ट्रेड ले। सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पज से डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या पाथ होना चाहिए। कि समझो आपको कोई ट्रेड, आप चार्ट देखते भी हो तो क्या प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, राइट? बिकॉज द ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजीज तो आई थिंक आप सब यूट्यूब से सीख सकते हो, कहीं बहुत जगह से सीख सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात होती तो सब लोग ट्रेडिंग ही करते, राइट? ट्रेडिंग डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज स्ट्रैटेजी के साथ रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सब चीजें कोई आपको सिखा नहीं सकता, विद टाइम ही डेवलप होगी। इस वेबिनार जो हम हर सैटरडे करेंगे, मार्केट क्या लगता है, उसका पर्पस ही यही है कि मैं आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे पाऊं कि एज अ ट्रेडर आपको क्या क्या चीजें राइट करनी चाहिए। आप ये पर्पस से मत आइए कि यार सौरभ मुझे कोई टिप देने वाला है या ये स्टॉक मंडे को क्या लेना है, वो पर्पस से बिल्कुल मत आइए। इस पर्पस से आइए कि यार ओके, चार्ट को एनालाइज कैसे करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, एंड हम ट्रेड को कैसे राइट रिस्क मैनेजमेंट के साथ ले सकते हैं, कैसे धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक एजेंडा क्लियर है, ओके? सी, एंड यही एक तरीका है जिससे मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। बिकॉज इंस्टा पे क्या होता है, मैं रील डालता हूँ या यूट्यूब पे भी अगर वीडियो डालता हूँ, जो कॉमेंट्स आते हैं उनको मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो इसमें क्या है, एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन बिल्ड हो सकता है एंड धीरे धीरे आपको थोड़ी वैल्यू मिलेगी। एंड दैट आई एंश्योर कि अगर आप रेगुलरली आएंगे हर सैटरडे, आपको पक्का वैल्यू मिलेगी। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा, ना कुछ इधर उधर का पेच करूंगा, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि दोनों, लाइक आप और मैं, सी इन दी एंड एज अ ट्रेडर की जर्नी कभी लर्निंग खत्म नहीं होती है। मैं 8 साल से एक्टिव ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 10 साल पहले मैंने ट्रेडिंग चालू की थी, स्टार्टिंग के 2 साल सिर्फ कुछ ऐसे रैंडम करता था, बट 8 साल से एक्टिव ट्रेडिंग में एक चीज है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ओके मेरे को सब कुछ आ गया, ये कभी नहीं होगा। एंड जो मेरे बारे में नहीं जानते, मैं अपना सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, ओके? मैं CFA चार्टर होल्डर भी हूँ। इसके अलावा आपने मुझे शायद से CNBC, ET Now, इन पे मैं रेगुलर एज अ पैनलिस्ट जाता हूँ, ओके? सो मेरा पर्पस यही है कि मैं टीवी पर चार्ट कैसे एनालाइज करता हूँ, ये आपको मैं थोड़ा एक आइडिया दे पाऊँ कि ओके ऐसे एनालाइज करना। बस टीवी पर जब मैं जाता हूँ, लोग कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि ये स्टॉक पे क्या व्यू लग रहा है, तो मुझे, मेरे पास टाइम नहीं होता है, मुझे 30 सेकेंड में जवाब देना है, तो क्या प्रोसेस फॉलो करता हूँ, राइट? इसके अलावा लाइक मैंने IIT, IIM सब जगह पे ट्रेडिंग के सेशंस लिए हैं, एंड मैंने जो इंडिया के सबसे बड़े प्रॉप डेस्क है उनको भी ट्रेन किया है ऑन ट्रेडिंग। सो मुझे ये बात समझ में आती है कि वहां पे जो बड़े से बड़े ट्रेडर भी होते हैं, जब उनको लॉस होता है वो भी अपने आप को डाउट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, बिकॉज अभी मार्केट अगर आप देखो, 1 महीने से काफी डिफिकल्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, काफी डिफिकल्ट है, राइट? एंड आप तो देखोगे कि इस फेज में क्या होता है, ट्रेडर्स अपने आप को डाउट करते हैं, यार मैं कुछ सही कर रहा हूँ कि नहीं। आप ट्विटर पे स्क्रीनशॉट देखते हो, सब प्रॉफिट बना रहे हैं, मैं ही लॉस कर रहा हूँ, राइट? बट ये एक पूरा सच नहीं है। तो जो बंदा प्रॉफिट भी बना रहा है, वो किस कैपिटल में बना रहा है, क्या रिस्क ले रहा है, सच बता रहा है, वो भी हमें नहीं पता।
सो ट्रेडिंग इज अ लोनली जॉब, राइट? ऐसा नहीं है कि सर लाइक ऐसा नहीं है कि आप बेसिकली एज अ ट्रेडर आपको अप्स एंड डाउन आएंगे, ये सच है, ये मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि अप्स एंड डाउन आएंगे। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रैटेजी सीख ली लाइफ टाइम वही चलेगी, राइट? सो मेरा पर्पस यही है कि जो भी मैं सीखा हूँ इन सालों से, बड़े ट्रेडर से इंटरेक्ट करके, मेरे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके, इन सेशन से, वो मैं आपको लर्निंग दे पाऊँ। ओके, एंड हम मेक श्योर करेंगे कि ये जो सेशन है थोड़ा एजुकेशनल हो, राइट? ज्यादा लाइक जैसा बोल रहा हूँ, वापस मैंने कह रहा हूँ कि इस पे ये डिस्क्लेमर कि आप ये मत सोचिए कि हम यहाँ पे टिप्स डिस्कस करने वाले हैं, ये करने वाले, बट बेसिकली एक इंग्लिश में कहावत है, गिव अ मैन अ फिश एंड ही'ल थैंक यू वंस, टीच हिम हाउ टू फिश एंड ही'ल थैंक यू फॉर लाइफ, राइट? तो आप किसी को एक मछली दे दोगे भाई, वो आज के लिए तो उसकी भूख मर जाएगी, बट आपको सिखाओगे कि कैसे फिशिंग करना है तो लाइफ टाइम आपको थैंक करेगा। तो मेरा पर्पज इसी में कि आपको थोड़े से पॉइंट्स दे पाऊं जिससे एटलीस्ट आपकी ट्रेडिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे सब आता है, पर जो भी मैं सीखा हूँ, सी ट्रेडिंग में यू विल ऑलवेज कीप लर्निंग, राइट? सो मेरा पर्पज वही है कि मैं आपको जो भी थोड़ा बहुत लर्निंग दे पाऊँ, एंड एज अ ट्रेडर अगर आप उस पर थोड़ा भी इंप्लीमेंट करोगे, आई कैन एश्योर कि आप स्लोली स्लोली, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो एटलीस्ट आप उस पाथ की तरफ मूव करोगे। ओके, आई होप एजेंडा क्लियर हो गया है कि क्यों हम ये सेशन कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले कि मार्केट क्या लगता है, मैं हर बार होगा क्या? ओके, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स को एनालाइज करेंगे, एक ब्रॉडर व्यू लेंगे, राइट? एंड आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे एनालाइज करता हूं, ठीक है? इंडेक्स को एनालाइज कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इंडेक्स को एनालाइज कर, जो भी स्टॉक्स जो न्यूज में है या मोमेंटम में है, जैसा कि अभी के मार्केट में, अब ट्विटर पे जब सब एचडीएफसी बैंक की बातें कर रहे हैं, सब रेलवे स्टॉक्स की बातें कर रहे हैं, तो उसको हम ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करेंगे। ओके, क्लियर? उसके अलावा ओके, इस हफ्ते की मेरी कोई भी लर्निंग्स हो वो मैं शेयर करूंगा, क्या देखो ये मैंने ये हफ्ते सीखा है। सी एज अ ट्रेडर, अब देखो मैं एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता हूँ एंड मैं कई सालों से कर रहा हूँ। अब देखो मेरा लॉस, मैं नोट्स लिखता हूँ कि यार इस दिन पे क्या गलती की, क्या करना चाहिए था, बिकॉज एज अ ट्रेडर जब तक आप ये नहीं करोगे, आप ये सेशन अटेंड कर लो, ऐसे हजारों सेशन अटेंड कर लो, आप एज अ ट्रेडर इंप्रूव नहीं होगे, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ट्रेडर के साथ बैठ के ट्रेडिंग करो, पर चांसेस है वो प्रॉफिटेबल हो और आप नहीं हो, बिकॉज ट्रेडिंग इन दी एंड इज हाउ यू एंड द मार्केट, राइट? आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करो। बहुत सारे लोग बड़ा प्रॉफिट डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग छोटा सा लॉस में डर के निकल जाते हैं, राइट? सो ये जब चीजें, जितना आप टाइम दोगे देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है? तो हम जो भी मेरी लर्निंग्स है वो डिस्कस करेंगे, उसके अलावा मैं एक लर्निंग शीट मेंटेन करता हूँ, राइट? कि इतने सालों में जो भी मेरी लर्निंग्स थी मैं एक शीट में मेंटेन करता हूँ कि अगली बार ये गलती नहीं करूँ, राइट? अब देख सकते हो जो भी लर्निंग्स है, उसको थोड़ा डिस्कस भी करेंगे आगे, बट अगर आप सोचो आप डेली मार्केट को एनालाइज करो, डेली लर्निंग्स को नोट करो, एंड अगली बार जब मार्केट में आओ, आप सोचो 6 महीने 1 साल आप ये रेगुलरली करो तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? हम क्या करते हैं, कोई एक वीडियो देख लिया, ओके स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, 1 महीना वो स्ट्रैटेजी ट्रेड की, 1 महीना प्रॉफिट नहीं बना, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, राइट? होता है कि नहीं? ओके, ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, एंड एंड तक रहना, बिकॉज एंड में मैं आप लोगों के Q&A भी लूंगा, जो भी आपके डाउट्स है किसी स्टॉक रिलेटेड या कुछ भी ट्रेडिंग रिलेटेड, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले निफ्टी पर आ जाते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है, तो मैं देखो मैं कैसे मैं जो करता हूं मैं आपको वो बताऊंगा, एंड जो मेरे लिए वर्क कर रहा है इतने सालों से। तो सी सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट भी करते रहूंगा, सबसे पहले मार्केट में जरूरी है ट्रेंड को समझना, राइट? यस और नो?
हम क्या करते हैं कि सपोज कोई स्टॉक बहुत गिर जाता है, सोचते कि बस यार अब ये यहां से पलटेगा, होता है कि नहीं? या कोई स्टॉक चीजें बहुत बढ़ जाती है, हम सोचते कि यार बस और कितना ही बढ़ेगा। अब निफ्टी की ये रैली को देखो, राइट, नीचे में क्या लेवल था, 19,000 के आसपास, ऊपर में कहां तक गया, 22,000। एंड समय कितना लगा, 1.5 महीना। ये सुनो, तो आप ये देख रहे हो कि ये जो रैली है 3,000 पॉइंट की, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग यहां सोचेंगे कि बस यार अब तो पलटेगा, कुछ लोग यहां सोचेंगे अरे ये रेड कैंडल बन गई अब तो पलटेगा, कुछ लोग सोचेंगे यहां पलटेगा, होता है कि नहीं? बिकॉज हम ये नहीं समझ पाते कि यार स्टॉक इतना बढ़ गया अब तो कभी ना कभी तो पलटेगा, राइट। तो एक चीज जो सक्सेसफुल और जो नई सक्सेसफुल ट्रेडर होती है, वो होती है कॉन्ट्रा माइंडसेट। तो आपको एक कॉन्ट्रा माइंडसेट से बाहर आना है, राइट। सी मेरे ऑफिस में भी काफी ट्रेडर्स है, एंड मैं देखता हूँ जो भी ज्यादा कॉन्ट्रा सोचते हैं वो क्या करते हैं, जिससे भी इनको बड़ा प्रॉफिट होता है वो लगता है यार मार्केट पलट जाएगी मेरा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। यस, सो आपको मैं एक नई शीट बना रहा हूँ, वहां पर हम लिखते भी रहेंगे कि सबसे पहले तो कॉन्ट्रा माइंडसेट पे काम कीजिए, कॉन्ट्रा माइंडसेट मत सोचिए। ओके, इसका मतलब है बी विद द ट्रेंड। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज है कि सबसे पहले तो एज अ ट्रेडर आपको ट्रेंड के साथ रहना है। अब ट्रेंड बुलिश है बेरिश है ये कैसे पता चले? ओके, तो सी मैं सिर्फ सिंपल चीजें यूज करता हूं, जो भी चार्ट में देख रहा हूं, ठीक है, उसके पहले एक और चीज मैं अगर आपसे कहूं, मैं अगर आपसे कहूं इसका ट्रेंड क्या है, आप क्या कहोगे? थोड़ा बढ़ा कर, इसका ट्रेंड क्या है स्टॉक का, साइडवेज, कोई कह रहा है साइडवेज, बाकी लोग अप ट्रेंड, ठीक है, तो अप ट्रेंड है, राइट। अब स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, ठीक। अभी मैं आपसे कहूं इसका ट्रेंड क्या है, मैंने चार्ट चेंज किया, इसका ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड, ठीक है, ठीक है, साइडवेज है, डाउन ट्रेंड, ठीक है, इसका ट्रेंड क्या है, ये तो क्लियर दिख रहा है क्या ट्रेंड है, डाउन, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये चार्ट तो मैंने चेंज नहीं किया, ये चार्ट एशियन पेंट का ही था, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज की। पहले हम मंथली चार्ट देख रहे थे, उसके बाद मैंने डेली कर दिया, उसके बाद मैंने इंट्राडे कर दिया। सो ये हमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट या कॉन्सेप्ट के पास लेके आता है, ट्रेंड कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, राइट। सो बहुत लोग इसी में पहले कंफ्यूज जाते हैं कि यार, सो फॉर एग्जाम्पल इस चार्ट में अगर आप किसी जो बेसिकली लॉन्ग टर्म लेके बैठा है उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, पर लेकिन जो इंट्राडे ट्रेड कर रहा है उसका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है बिकॉज स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यस और नो? तो ट्रेंड सबसे पहले जरूरी, मैं इसलिए आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दूंगा, आपको ये कॉन्सेप्ट को नोट करना है, एंड सी एक सेशन में हम सब कुछ नहीं सीख सकते, धीरे धीरे आप इन कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करोगे, अगली बार हम डिस्कस भी करेंगे, देखो इन कॉन्सेप्ट से ये हुआ, राइट। तो आपको एक कंटिन्यूस लर्निंग मिलेगी। सो ट्रेंड कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, ओके। सी बड़ा पैसा कब बनता है, व्हेन मेजर टाइम फ्रेम्स अलाइन, ठीक है। मेजर टाइम फ्रेम अलाइन का मतलब हो गया कि समझो मैं अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं, तो इंट्राडे में 5 मिनट में ट्रेड करता हूं, तो उसके जो ऊपर के टाइम फ्रेम है तो क्या क्या हो सकता है, आर्ली, डेली, वीकली, मंथली, ठीक है। तो सी आपको क्या करना है, ये रूल को याद रखिए। तो ये
टाइम फ्रेम है, 5 मिनट इंट्राडे के लिए, आर्ली, डेली, वीकली, मंथली। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको जो ऊपर के दो टाइम फ्रेम है उनका ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, अगर आप इंट्राडे बाई करने का सोचो। समझ में आ रहा है? तो ये 5 मिनट इंट्राडे हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करना चाहता हूं कोई स्टॉक में लॉन्ग, तो उसके दो ऊपर के टाइम फ्रेम बुलिश होने चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको? सपोज मैं डेली ट्रेड करना चाहता हूं कि डेली टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड लेने आता हूं, तो उसकी ऊपर के दो टाइम फ्रेम मेरे फेवर में होने चाहिए। यस, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऊपर के मतलब सपोज ये इंट्राडे हो गया, ये आर्ली हो गया, ये डेली, ये वीकली, ये मंथली। तो सपोज मैं अगर इंट्राडे 5 मिनट का चार्ट ट्रेड करना चाह रहा हूं किसी स्टॉक में बाई या सेल, तो उसका आर्ली या डेली टाइम फ्रेम बुलिश होनी चाहिए, तो ही मैं बाइंग के चांसेस ढूंढूंगा। राइट, इज इट क्लियर? इसको और एग्जाम्पल देंगे, चीजें क्लियर होगी। बट बेसिकली ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि ट्रेंड तो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में। ओके, सी जब सी आप 5 मिनट की जगह 15 मिनट देख सकते हो, मैं 5 मिनट यूज कर रहा हूँ इतने सालों से, इसलिए मैंने 5 मिनट यूज किया, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल एक इस पर डिस्कस करते हैं। थी सबसे अभी जो स्टॉक सोशल मीडिया पर चल रहा है कौन सा है? HDFC बैंक, यस और नो? यस और नो? अगर ठीक है, सी इंट्राडे का मतलब हो गया कि आपको आज ही ट्रेड क्लोज करनी है, राइट। तो अगर मुझे स्टॉक को इंट्राडे मेरे रेडार पे होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए बाई के लिए, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आर्ली और डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक बुलिश हो, ठीक है। एंड बुलिश ट्रेंड के लिए सिंपल कंडीशन है कि स्टॉक की जो प्राइस है उसके 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए, तो स्टॉक बुलिश है। क्लियर? ठीक है, तो अब आ जाते हैं। देखो, अब ये गलती आप लोग करते हो, राइट। अभी स्टॉक का मैंने क्या कहा कि पहले एक बार डेली चार्ट देखते हैं, 1 ईयर डेली चार्ट, ठीक है। ये जो लाइन है मैं इसको 20 मूविंग एवरेज कर देता हूँ, ठीक है। सी मैं 10-20 सिंपल है। HDFC बैंक का ये चार्ट है, इसकी ट्रेंड क्या है? मैं अगर आपको डेली चार्ट पूछूं क्या ट्रेंड है डेली चार्ट पे, ट्रेंड क्या है? बेरिश है। क्यों? नेक्स्ट टाइम से मैं ट्रेडिंग में ओपन करूंगा, आज मेरे ट्रेडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सी ये स्टॉक का ट्रेंड बेरिश है क्योंकि स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज के नीचे। सिर्फ इतना सिंपल फंडा याद रखो, राइट। अब क्यों ये मैं बोल रहा हूँ फंडा याद रखने के लिए, क्योंकि क्या होता है, देखो हमने कहा कि हमारा माइंडसेट क्या होता है, कॉन्ट्रा। ये रेड कैंडल जब बनी तब क्या किया लोगों ने, यार HDFC बैंक का स्टॉक 10% गिर गया, अब तो क्या ही गिरेगा। यस और नो? यस, अरे और 5% गिर गया, अब तो क्या ही गिरेगा। यस और नो? एंड सब अपने रीजन बनाते, अरे यार यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे ये है, राइट। ओके, अब इसके इसके ये इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं, मैं आपको एक और चार्ट दिखा। ये BHEL का चार्ट है, ये स्टॉक डेली में 20 के ऊपर है कि नहीं, है कि नहीं 20 के ऊपर जिस दिन ये रेड कैंडल बनी, राइट। इसको थोड़ा सा जूम कर, ठीक है। जिस दिन ये रेड कैंडल बनी, ओके, तो भी आपका ट्रेंड तो पॉजिटिव था, आपको स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही था, यस और नो? तो सी एज अ ट्रेडर आप ऐसे स्टॉक में अगर बाइंग करने के लिए ढूंढोगे तो आपको ज्यादा चांसेस है कि प्रोग्रेसिव के, ये देखो स्टॉक 2 दिन में रिवर्स भी हो गया, 200 का 220 आ गया,
बट अगर एज ए ट्रेडर आप ऐसे स्टॉक में बाइंग का ढूंढोगे, चांसेस आपको मुंह क्लीन नहीं मिलेंगे। इज इट क्लियर? ये फंडा क्लियर है एवरीवन? ओके, सो मैं सिर्फ ये पॉइंट कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी स्टॉक में बाइंग करनी है तो वो स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तो आप बाइंग का सोचेंगे, राइट? एंड कोई भी स्टॉक अगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे है डेली चार्ट में, तो आप उसमें सेलिंग का सोचें या बाइंग का नहीं सोचें, ठीक है? ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखो बहुत सारे लोग क्या नाम से जाते हैं स्टॉक्स के, यार इतना बड़ा स्टॉक है कितना ही गिरेगा, यस और नो? आप देख लो 1700 रुपए का स्टॉक 1400 रुपए आ गया है, एंड ये वन ऑफ द ब्लूएस्ट चिप कंपनीज है, यस और नो? राइट? सो आपको ट्रेंड के साथ रहना है, ठीक है? सिंपल तरीका ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का है, जो भी स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है डेली चार्ट में, उसी में आप बाइंग के चांसेस देखेंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी स्क्रीनर बना के रखा है, मैं आपको इसकी लिंक भेज दूंगा। तो अब ये स्क्रीनर बेसिकली क्या कर रहा है, इसकी स्क्रीनर की फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, डेली क्लोज ग्रेटर देन 20 SMA। इसका मतलब कि जो भी स्टॉक 20 SMA के ऊपर है डेली चार्ट पे वो बताओ। सेकेंड लाइन क्या है, आर्ली क्लोज, सेम चीज ऊपर जो लिखा है 20 SMA, मतलब आर्ली में भी जो 20 SMA के ऊपर है वो स्टॉक बताओ, ये सुनो। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमने क्या कहा था कि जो भी ट्रेड हम लेंगे, अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 2 टाइम फ्रेम ऊपर बुलिश होने चाहिए, तो आर्ली और डेली बुलिश होने चाहिए, राइट? सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे पहला कंडीशन क्या बता रहा है कि जो स्टॉक डेली में 20 के ऊपर है वो बताओ, सेकेंड जो आर्ली में 20 के ऊपर है वो बताओ, तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक्स मिल गए जो डेली और आर्ली में बुलिश है, येस और नो? सबको क्लियर है? मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा, बट ये क्लियर हो गया कि ये स्कैनर कर क्या रहा है, कि ये हमें वो स्टॉक्स बता रहा है जो 20 और डेली में 20 के ऊपर है और आर्ली में भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब आपको अगर अगले दिन बाइंग करनी भी है तो आपको इन्हीं स्टॉक्स में करनी है, क्योंकि ये स्टॉक्स की ट्रेंड पॉजिटिव है, राइट? अगर आप दूसरे स्टॉक जो इसके अलावा नहीं, इस लिस्ट में नहीं आते, यार आप रैंडम कोई स्टॉक में बाई करोगे तो क्या होता है, आपको क्लीन मूव्स कभी नहीं मिलेंगे। आप सोचोगे, आप सिर्फ सोचो कि यार मार्केट गिरी, राइट, तो भी इस बड़ी रेड कैंडल के बाद ये दो स्टॉक 2 दिन में रिकवर हुए, राइट? BHEL 2 दिन में रिकवर हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज इनकी ट्रेंड पॉजिटिव है। एज अ ट्रेडर आपको ट्रेंड के साथ रहना। इज इट क्लियर? आई होप ये लर्निंग क्लियर है। ये मैं ये आपको स्कैनर भेज दूंगा, ठीक है? तो अभी के लिए सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही समझते हैं, राइट? धीरे धीरे हम इसको और डिटेल में समझेंगे कैसे होता है सब कुछ, राइट? तो आपको सिर्फ इतना करना है, एज अ ट्रेडर आपकी सबसे पहली मिस्टेक जो होती है कि आप रैंडमली आ जाते हो कोई भी स्टॉक में बाई करते हो। मैं खुद टीवी पे आता हूँ, मैं आपको कहूंगा कि टीवी पर कोई स्टॉक आपको बता रहा है, उस वजह से आप उसको मत लीजिए, राइट? क्योंकि सी एज अ ट्रेडर, सी टीवी पे जब न्यूज आती है तब तो सबको पता है, राइट? तो एज अ ट्रेडर अगर आप सबसे पहले ये रूल फॉलो कीजिए कि इंट्राडे अगर आपको किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेनी है तो वो स्टॉक आर्ली और डेली में 20 SMA के ऊपर होना चाहिए, खत्म, सिंपल बात, ठीक है? मतलब आप इस स्क्रीन में समझो, कैश मार्केट भी करते हो, यहाँ पे निफ्टी को हटा के कैश कर सकते, ठीक है? हमने यहाँ पे कैश मार्केट कर लिया, तो आपको कैश मार्केट के स्टॉक्स आ गए जो स्टॉक्स कैश मार्केट में 20 और डेली के मूविंग एवरेज के ऊपर है, 20 मूविंग एवरेज, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो भी स्टॉक्स, इसका मैंने उल्टा स्कैनर भी बनाया, उसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट बेरिश का भी सेम लॉजिक उल्टा किया मैंने कि डेली में 20 के नीचे है और आर्ली में भी 20 के नीचे। तो सपोज ऐसे स्टॉक्स में अगर आप बाइंग का ढूंढते हो तो क्या होता है, ये स्टॉक डेली में 20 के नीचे है कि नहीं, राइट? ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप देखो, आप ऐसे इंट्राडे ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करने होगा, यार स्टॉक बहुत गिर गया हम बाई कर, क्या होगा वापस कंटिन्यूसली ट्रेंड नीचे नीचे नीचे, तो आपको देखो ऐसे ये ग्रीन कैंडल बनेगी भी ना तो बड़ी कैंडल नहीं बनेगी, बिकॉज आपको ये स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है ना,
सेलिंग जोन है काफी ऊपर में, राइट। इससे बेटर अगर आप उन स्टॉक्स के साथ रहो जो ट्रेंड जिनका पॉजिटिव है, तो उसमें आपको क्लीन मूव्स आएंगे। ओके, आई होप क्लियर हो रहा है। ठीक है एवरीवन, तो ये पहली लर्निंग जो मुझे डिस्कस करनी थी। ओके ओके, तो एक और स्टॉक लेट, या देखो ये सब स्टॉक्स में देखो ना, ग्रेट कैंडल आती भी है तो वापस ऊपर आया था, बस ट्रेंड पॉजिटिव है। ओके ठीक है जी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मैं आपको स्लोली बोल रहा हूँ, स्लोली स्लोली रहिए, मैं हर चीज को कवर करूंगा। अब हम वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ भी नहीं देख रहे। ओके ठीक है, अब सिंपल मैं और लास्ट टाइम समराइज कर रहा हूं कि सबसे पहले कॉन्ट्रा माइंडसेट मत रखिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि कोई स्टॉक इतना गिर गया तो और कितना गिरेगा, इतना बढ़ गया तो और कितना बढ़ेगा। बी विद द ट्रेंड, सबसे पहले ये चेंज अपने में लाइए। सेकेंड, ट्रेंड डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट हो सकता है, तो आप अगर जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसकी हायर टाइम फ्रेम आपके साथ होनी चाहिए। सिंपल लॉजिक जो मैं यूज करता हूँ, स्टॉक अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो उसकी ट्रेंड उस टाइम फ्रेम में पॉजिटिव। तो अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करने आ रहा हूँ तो जो दो हायर टाइम फ्रेम है मेरे लिए, आर्ली डेली, वो बुलिश होनी चाहिए। मतलब वो आर्ली और डेली में स्टॉक 20 के ऊपर होना चाहिए जो इस स्क्रीनर से हमें मिल रहा है। क्लियर? ओके, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, ये पहली लर्निंग मुझे देनी थी, आपको ये क्लियर हो गया है? यस, इसमें सब कुछ लिंक विंक आपको सब कुछ मिलेगा। ओके ठीक है, अब वापस इस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी को एनालाइज करते हैं। देखो निफ्टी का अभी आप लोग ही मेरे साथ एनालाइज करो। निफ्टी डेली चार्ट में 20 के ऊपर है, नीचे है? ट्वेंटी के नीचे है। ओके ठीक है, तो निफ्टी की ट्रेंड बुलिश नहीं है। ओके ठीक है, तो ट्रेंड बुलिश नहीं है, ट्रेंड नेगेटिव ही है। तो अगर आप ये सोच के ट्रेड करोगे यार निफ्टी बहुत गिर गया, बहुत ऊपर जाएगा, चांसेस कम है, बिकॉज स्टॉक की ट्रेंड नेगेटिव है। तो अगर हम निफ्टी को एक स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते, तो डेली चार्ट में ट्रेंड क्या है स्टॉक का? बेरिश है, तो ट्रेंड तो बेरिश है। मतलब निफ्टी में मैं अभी करंट लेवल से बाइंग का तो नहीं सोच। ओके अब आ जाते हैं कि हमने क्या कहा था, 20 मूविंग एवरेज से हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। ओके अब आप देखो कि यहां पर ऊपर में सेलिंग जोन कहां पे है निफ्टी में, कहां से इस डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई। आप ये देखो, ये 21,800 का लेवल था, यस और नो? जो एक गैप डाउन आया उसके बाद से मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है कि नहीं, आप देख पा रहे हो? राइट यस, 22,124 तो ऑल टाइम हाई है। उसके पहले एक कौन सा सेलिंग जोन है? ये सेलिंग जोन है 21,800 का जोन, यस और नो? तो जब तक निफ्टी 21,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है, ओके आपकी ट्रेंड बेरिश ही रहेगी। या तो फिर सबसे पहले ये जो दो कैंडल का हाई है, राइट, जो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है 21,650, उसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल देता है तो हम कहेंगे ट्रेंड एक बार चेंज हो गया। बट जिस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर है, लग रहा है बजट तक इसी रेंज में एकदम वोलेटिली से ट्रेड करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एंड सी, मैंने आपको, अगर आपने मेरा YouTube वीडियो भी देखा होगा, तो ये जो एक्सपायरी डे था इसमें मैंने कहा था कि मैं रिवर्सल ट्रेड करूंगा, मार्केट नीचे जाएगी तो बाई करूंगा, ऊपर जाएगी तो सेल करूंगा। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जब भी एक बड़ी रेड कैंडल बनती है मार्केट में एंड उसके अगले वाला दिन अगर वॉलेटाइल होता है, ओके तो क्या होता है कि सपोज बड़ी रेड कैंडल बनी और एक वॉलेटाइल डे मिला, उसके बाद जो उसकी बाउंड्रीज होती है वहां पर लोग फंसे हुए रहते हैं एंड आपको इसके लिए रिवर्सल मिलता है। तो आप अगर ये देखो,
5 मिनट करते। दो दिन ठीक। तो आप ये देखो, ये दिन निफ्टी काफी वॉलेटाइल थी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये सो नो। तो अगले दिन भी आप देखो कि मार्केट यहां पे रिजेक्ट हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट? ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी पहले से ही कह रखा था, ठीक है? ये छोटी छोटी लर्निंग्स दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो अब इस पे वापस डिस्कशन पे आ जाते, ठीक है? तो निफ्टी का ट्रेंड तो बेयरिश है, ठीक है? तो आपको किसी भी चार्ट को एनालाइज करना है, आपने फटाक से देख लिया कि स्टॉक का चार्ट क्या है। तो अगर समझो मुझे कोई टीवी पे पूछता है कि निफ्टी का चार्ट क्या लग रहा है, ठीक है, सपोज मेरे को एंकर पूछते हैं कि निफ्टी का चार्ट क्या लग रहा है, तो मैं कहूंगा कि निफ्टी, हम कहें निफ्टी अगर हम देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, 21,650 जो बेसिकली बड़ी रेड कैंडल है, उसके हाई या लो काफी क्रूशियल होते हैं। तो ये देखो 21,650 से 700 का जो लेवल है, राइट, ये लगभग 21,700 का लेवल है। 21,700 पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, जब तक हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं, चांसेस है मार्केट में सेल ऑन राइज का मोमेंटम रहेगा, एंड ओवरऑल हम देख पा रहे हैं कि दिग्गज काउंटर्स में सेलिंग आई है, तो पुल बैक रूल आउट नहीं कर सकते कि यार बड़े बड़े स्टॉक्स अगर गिरे हैं तो ऐसा नहीं कि वो गिरते रहेंगे, थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएंगे, बट ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहे तो आप बाई कर लो, क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, तो आपको पूछा डे ट्रेड में आना चाहिए, तो निफ्टी लॉन्ग साइड में डे ट्रेड में नहीं लेना चाहिए। क्यों? अभी हमने रामायण वही कही थी कि हम निफ्टी को डे ट्रेड में कब लेते हैं, जब वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होता। तो ये एटलीस्ट आप हटा लीजिए अपने दिमाग से कि निफ्टी को आपको इंट्रा डे लॉन्ग ट्रेड में जाना है। जब तक वो 20 के ऊपर नहीं जाएगा आपको क्लीन मूव मिलेंगे ही नहीं, राइट? आपको चॉपी मूव ही मिलेंगे, ठीक है? लेकिन सपोज अगर आप मार्केट में यहां पर होते, सपोज, तो यहां पर मैं आपको कहता कि मार्केट में आप लॉन्ग ट्रेड ही ढूंढिए। क्यों? क्योंकि 20 के ऊपर है, तो यहां पर आपको क्लियर क्लियर व्यू मिलेगा। ओके, आई होप सबको क्लियर है। एटलीस्ट आप इतना भी समझ लो ना कि बाई क्या, बाई सी ट्रेड तो कैसे करनी, वो तो हम धीरे धीरे काफी डिटेल में समझेंगे, राइट? या तो आज पहला सेशन है, इसको आगे जाते हैं तो और डिटेल में और लर्निंग वो सब डिस्कस करेंगे, बट आप सिर्फ इतना भी समझ लो ना कि स्टॉक में मुझे बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, तो भी आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म होगी। पहला कंफ्यूजन तो ये होता है स्टॉक में बाई करूं या सेल करूं। तो यहां पर जब तक निफ्टी था ऊपर में, हम बाइंग का सोच रहे थे। आप देखो ये जो गैप डाउन आया, इसके बाद 20 के नीचे आ गया, उसके बाद से बुलिश भी आपका चेंज हो जाएगा, ओके? एंड आप बुलिश ट्रेड नहीं ढूंढू, तो आधे लोग इसी में फंस जाते हैं कि यार मार्केट गिर गया, यहाँ पे बाइंग का सोचता हूँ, बाइंग का सोचता हूँ। आप देखो कंटिन्यूसली नीचे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है? ओके ठीक है, तो एक चीज अब क्लियर होगी। ओके अब आ जाते हैं वापस इसी पे कि यार ये समझ में आ गया कि स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है। अब यार अगर मैं, मुझे डेली चार्ट पे कोई स्टॉक को बाय करना है, तो सी सबसे पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, क्लियर? यार ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर लिया, पर यार मैं किधर भी थोड़ी बाय करूंगा। सपोज मैं यहां बाय कर रहा हूं, मार्केट यहां पे, यार सपोज अभी मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप यहां पर थे निफ्टी में जब ये एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद से निफ्टी में रेड कैंडल नीचे आई, तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। सी ये मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस। सी आधे लोगों को तो स्टॉप लॉस क्या है वही नहीं पता है। तो स्टॉप लॉस क्या होता है पहली बात, तो स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? तो स्टॉप लॉस ये याद रखिए, आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस एक ऐसा लेवल है, अगर वो हिट हुआ तो आपके टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज हो गई। इसको और दो बार पढ़िए, ऐसा लेवल है स्टॉप लॉस, अगर वो हिट होता है तो आपके लेवल में आपकी टाइम ट्रेंड चेंज हो गई है, ठीक है? अब आप देखो सेकेंड गलती हम क्या करते हैं कि यार निफ्टी देखो सबसे एक्चुअल में ये होता है, आपने यहां पर निफ्टी बाई नहीं किया, यहां पर निफ्टी बाई नहीं किया, यहां पर आप सोचते हो कि नहीं यार बस अब तो बहुत हो गया, अब तो मैं बाई करूंगा,
राइट। यहां पे आपने बाई कर लिया, ये एक रेड कैंडल बनी, आप डर के आउट हो गए। यस और नो? होता ही नहीं, होता है अब। लेकिन ये रेड कैंडल बनी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं? सी स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस ऐसा लेवल है जिसमें अगर वो हिट हुआ तो आपकी ट्रेंड आपके टाइम फ्रेम में चेंज हो रही है। अगर आप ये टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे थे तो क्या स्टॉक 20 के नीचे आया था? ट्रेंड चेंज हुई थी यहां पर? नहीं हुई थी, नहीं हुआ स्टॉप लॉस। पर हम क्या करते हैं भाई, निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आ गई, खत्म, मैं तो बाहर जा रहा हूं। हम क्या करते हैं, निफ्टी को बाई करेंगे, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देंगे। क्या मार्केट में ऐसा रूल है कि आपने जहां से बाई किया वहां से मार्केट नीचे नहीं जा सकता है? राइट, यस और नो? क्लियर? तो ये एक सेकेंड लर्निंग जो आपको मैं दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं कि क्या करेंगे, 100 पे स्टॉक, समझो आपने 300 पे स्टॉक को बाई किया, 299 आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये स्टॉप लॉस कैसे हुआ? अपने मन से कि भाई मैं एक पॉइंट का ही लॉस ले सकता, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं है। होता है कि नहीं? ये होता है कि नहीं? राइट। एंड क्या होगा, स्टॉक छोटा पुल बैक आएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, भाग जाएगा ऊपर। भेल में भी हुआ कि नहीं? आपने यार बोला कि यार बस अब बहुत हो गया, ये स्टॉक तो डबल हो गया है, अब मैं यहाँ पे बाई कर लूँ, यहाँ पे आपने बाई कर लिया, स्टॉक 2 दिन नीचे आया, अब बाहर हो गए। यस और नो? सी ये सच में होता है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने एड्रेस किया वो है कि यार ट्रेंड के साथ रहना है, ठीक है, चलो यार ये तो समझ में आ गया, स्टॉक में बाई करना है सेल करना है इतना तो समझ में आ रहा है। अब सेकेंड है स्टॉप लॉस, कि स्टॉप लॉस ऐसा लेवल है कि जब वो हिट होता है आपका टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने 300 का बाई किया, 298 रैंडम स्टॉप लॉस रख दिया, इसे स्टॉप लॉस नहीं कहते। बहुत सारे सोर्स होते हैं कि यार मेरे को बस 500 मुझे ये नहीं रखना है कि मुझे सिर्फ लाइक बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं, अफोर्डेबल, कि यार मैं 1,000 रुपए का लॉस रख सकता हूं तो मैं उसके हिसाब से स्टॉप लॉस रखूंगा। राइट, स्टॉप लॉस हैज टू बी लॉजिकल। ये शीट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड इसको मेंटेन करेंगे, डेली अपडेट करेंगे। तो यार 1 साल बाद आपके पास काफी लर्निंग, हैज टू बी लॉजिकल एंड नॉट अफोर्डेबल। ऐसा नहीं कि यार मैं 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकता हूं तो मेरे लिए यही स्टॉप लॉस। तो सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कर ली, स्टॉप लॉस क्या था वो समझ। यार सर आपने ट्रेंड बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया, पर स्टॉप लॉस तो इतने बड़े बड़े आते हैं, हम कैसे बाई करें? तो एंट्री कैसे करनी है? अगर आप सोचो, अगर एक ट्रेंड पॉजिटिव है, राइट, सबसे बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड, सबसे छोटा स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा? सबसे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ मिलेगा? अपने सपोर्ट पर। सपोर्ट हमारे केस में क्या है, 20 SMA में बेस्ट। एक और तीसरा पॉइंट आ गया यार, ट्रेंड तो मुझे पता चल गई बेस्ट, पर स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा आ रहा है, तो यार वेट करता हूँ, जहां पे बेस्ट एंट्री मिलेगी वहां एंट्री करूंगा। बेस्ट एंट्री एट सपोर्ट विद, जो अपने केस में हो गया 20 SMA में, राइट। 20 SMA में बेस्ट एंट्री मिलती है यार, 20 SMA में एंट्री मिल रही है, पर एंट्री मिलेगी वो कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा एंट्री करनी है कि नहीं? सपोर्ट पर क्या चाहिए एंट्री करने के लिए? यार सपोर्ट तोड़ के नीचे भी तो भाग सकता है। बायर चाहिए सपोर्ट पे, तो आपको चाहिए कैंडलस्टिक ग्रीन कलर। इसी आपको जो हजारों कैंडलस्टिक के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हैमर वैमर जो भी है, राइट, सिर्फ एक ग्रीन कैंडलस्टिक चाहिए सपोर्ट पे। अब तक जो हमने समझा उसको एक बार समराइज कर, तो आपको अभी चीजें वापस समझ में। सी हम वॉल्यूम वॉल्यूम डिस्कस नहीं कर, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एज अ ट्रेडर कॉन्ट्रा माइंडसेट हटाइए, नहीं सोचना है कॉन्ट्रा, ठीक है, स्टॉक बहुत गिर गया तो गिरने दो, बहुत बढ़ गया तो बढ़ने दो, हम ट्रेंड के साथ रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया 20 SMA के ऊपर, एंड ये चीज समझ ली कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ तो आर्ली और डेली टाइम फ्रेम बुलिश होनी चाहिए, वो जो हम स्क्रीनर से हमें ऑटोमेटिकली मिल रही है। तो अगर आप इंट्राडे भी ट्रेड करने आ रहे हो तो यार इन्हीं स्टॉक्स में मैं इंट्राडे बाइंग का सोचूंगा, ठीक है, इतना समझ गए। ट्रेंड के लिए क्या यूज किया, स्टॉक अगर 20 SMA के ऊपर है ट्रेंड पॉजिटिव, ठीक है यार सर ट्रेंड तो समझ में आ गया,
यार सर ट्रेंड समझ में आ गया, पर मैं वही करता हूँ, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अरे यार स्टॉप लॉस तो क्या होता है, स्टॉप लॉस ऐसा लेवल है अगर वो हिट हुआ तो आपके टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज हो गया। 100 पॉइंट निफ्टी का नीचे आना मतलब नहीं आपका ट्रेंड स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्लियर? ठीक है सर समझ गया, ट्रेंड पता चल गया, अब एंट्री कहाँ करूँ? देखो लॉजिकली सोचो, बेस्ट स्टॉप लॉस या बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ मिलेगा? सपोर्ट के आसपास। बट सपोर्ट पे बाई करना या सेल करना वो कैसे पता चलेगा? सपोर्ट टूट के नीचे भी तो जा सकती है मार्केट। सपोर्ट पे गिरी कैंडलस्टिक मिल गई, मतलब आपको एक कंफर्मेशन। ठीक है सो फिर अब वापस आ जाते हैं। ठीक है तो अब यहाँ पर देखो, ठीक है यहाँ पर ये ग्रीन कैंडलस्टिक बनी सपोर्ट के आसपास, तो एक आपको छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड मिला राइट। यहाँ पे ये 20 सी यहाँ पे दे दूर बनी है राइट, तो सी बिकॉज ये एकदम ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था ओके राइट। बट यहाँ पर आपको अगर 20 के पास एक स्टॉप लॉस बन रही है तो आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। मैं आपको इस और भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो कोल इंडिया का चार्ट अगर, ठीक है मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर, अब आप यहां पे आ जाइए। अब इसको ध्यान से देखिए, ये स्टॉक 3 दिन में ऊपर भाग गया था, यस और नो? ये 3 दिन में ऊपर भागा था, यस अब क्या होता है, फोमो में आ जाते हम लोग। कोई बोलेगा भाई कोल इंडिया बहुत भाग रहा है, बाई कर ले बाई कर ले। अरे यार आज ही बाई करता हूँ, यहाँ बाई कर लिया, ये 2 रेड कैंडल में क्या होगा, आधे से ज्यादा लोग बाहर चले जाएंगे ट्रेड से, यस और नो? अब बाहर गए पर ट्रेंड चेंज हुआ क्या? नहीं नहीं हुआ राइट। तो स्टॉप लॉस समझिए यार, स्टॉप लॉस बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। एंड ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के मैंने देखा कि यार उनका स्टॉप लॉस क्या होता है कि भाई मैं बाई कर रहा हूँ, मेरे बाइंग से अगर स्टॉक 10 पॉइंट नीचे आ गया मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट, मेरे बाइंग से स्टॉक 1 टका नीचे आ गया मेरा स्टॉप लॉस। ऐसा कोई रूल है स्टॉक 1% नीचे नहीं आ सकता है? तो सबसे पहले यहां पर अगर आप थे, अब इस चार्ट से सब कुछ कनेक्ट करते, यहां पर अगर आप थे मैं आपको पूछूंगा कि आपकी राय दीजिए इस स्टॉक में बाइंग करना चाहिए सेलिंग करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? यहां पर बाइंग करना चाहिए सेलिंग करना चाहिए? बाइंग, ठीक है बाइंग करना चाहिए। बाइंग अब बेस्ट कहां मिलेगी? एंट्री 20 मूविंग एवरेज तक एक पुल बैक और एक ग्रीन कैंडल बने, यहां पर बनी है ग्रीन कैंडल, यस और नो? ठीक है हम ट्रेड कैसे लेने हैं वो तो बहुत आगे डिस्कस करेंगे, 2-3 सेशन हो जाएंगे उसके बाद। एटलीस्ट अभी बेसिक भी समझ लो ना, आई कैन अश्योर यू आपकी ट्रेडिंग स्टाइल 100% चेंज होगी, 110% राइट। सी मैंने क्या कहा कि ट्रेडिंग में सिर्फ जो मनी मिस्टेक्स करते हैं वो भी अवॉइड कर लो ना, तो यू स्लोली मूव टुवर्ड्स अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर ओके। तो ये आपने कर लिया, ठीक है तो यहां पर अगर आप बाई कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा आ रहा है राइट, इस कैंडल का लो कर सकते हो, ठीक है यस। ठीक है अब कैसे ट्रेड लेनी है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे राइट, अभी आज हमारा पर्पस ही नहीं है कि हमें ट्रेड क्या लेनी है कैसे स्टॉप लॉस, बट एक लॉजिकली ओके स्टॉप लॉस रखना है कि इस 20 SMA का लो हमारा स्टॉप लॉस। अब आप देखो, अब यहां पे आपने ट्रेड में एंट्री ली तो आपको ये अच्छा मोमेंटम मिल गया छोटे रिस्क से। सी ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड, इसलिए ट्रेडिंग इतनी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि एक चीज से ट्रेडिंग आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनते हो यार, ट्रेंड भी समझना है, स्टॉप लॉस भी समझना है, एंट्री कहाँ करनी है। एंट्री करने के बाद ऐसा नहीं कि 1 पॉइंट मिल गया निकल जाओ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे एंट्री अरे ग्रीन दिख रहा है काटो काटो, होता है कि नहीं? एज अ ट्रेडर एंट्री भी इंपॉर्टेंट है एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है। आपने समझो इस स्टॉक में एंट्री तो ले ली, आई एम श्योर आधे से ज्यादा लोग ये छोटी सी ग्रीन कैंडल आधी बनी होगी ना तभी लोग निकल गए होंगे, यस और नो? सच बोलिए, स्टॉक 1 टका भी ऊपर गया, अरे भाई मजा आ गया आज तो बस हो गया, यस के नहीं? आधे लोग इसी में निकल जाएंगे एंड ये होता है। पर लॉस देखो, आप प्रॉफिट तो 1 पॉइंट में निकल जाओगे, लॉस 10 पॉइंट 20 पॉइंट क्या होगा, ट्रेडर नहीं इन्वेस्टर बन जाओगे, होता है कि नहीं? यस तो आप एज अ ट्रेडर सी ऐसा नहीं है कि आप हर दिन राइट हो गए, पर जब राइट हो रहे हो, अगर आप जिस दिन राइट हो रहे हो, जिस दिन अगर आप बड़ा पैसा नहीं बना रहे, समझो आपने यहाँ पे 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया और 10 पॉइंट कैप्चर किए,
तो 2 पॉइंट की रिस्क में 10 पॉइंट मिले, मतलब अगले 4 बार भी गलत हुए तो भी अकाउंट उधर ही रहेगा। ये बहुत जरूरी है एज ए ट्रेडर। ये नहीं कि 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो पता ही नहीं है, पहले एक बार एंट्री करते हैं सोचेंगे स्टॉप लॉस क्या रखना है, भाई 1 पॉइंट आ गया काटो कल देखेंगे, ये माइंडसेट रहेगा तो बड़ा पैसा नहीं, राइट। तो जरूरी है कि ये सब, अभी आप देखो स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव, अगर ट्रेंड के साथ भी रहो यार, ये देखो 290 का स्टॉक 400 आ गया है। आपको ऐसा नहीं कि दिन भर ट्रेड करना है, सिलेक्टेड स्टॉक्स को पकड़िए, एक बड़ी ट्रेंड को राइड करिए। एक कहावत है, अ गुड ट्रेंडिंग मार्केट कैन चेंज योर ईयर, चेंज योर करियर, इवन योर लाइफ टाइम। एक स्टॉक में अगर आपने ट्रेंड पकड़ लिया, बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन में ट्रेंड पकड़ के बहुत पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों ने इक्विटी में एक स्टॉक में ट्रेंड पकड़ी अच्छा पैसा कमाया। तो एज अ ट्रेडर आपने ट्रेंड पकड़ ली तो आपको, अगर आप राकेश जी की भी हम बातें करते, राइट, राकेश जी ने एक टाइटन के स्टॉक में ही उनकी लाइफ चेंज हो गई, राइट। ऐसा नहीं कि 100 स्टॉक के पीछे भागे, राइट। तो एज अ ट्रेडर भी लेस इज गुड, बहुत ज्यादा चीजों पे जाओगे तो और कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ट्रेंड के साथ रहिए, बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड एंट्री पे कीजिए एंड ट्रेंड को राइड कीजिए, छोटे प्रॉफिट से नहीं निकल, ठीक है, ओके। तो आई होप क्लियर है। सी आज मैं इसीलिए स्टॉक्स कैसे बाय करना है, स्टॉप लॉस वॉस ज्यादा डिस्कशन नहीं करें, बिकॉज पहले तो हम एटलीस्ट बेसिक्स तो क्लियर करें, यस और नो। सी बहुत सारे लोग क्या, जैसा कहा ना कि ये पर्पस आता है कि सर आप ये सब छोड़ो, स्टॉप लॉस बताओ, टारगेट बताओ, वो जानना है, राइट। वो मेरा पर्पस ही नहीं है, मेरा पर्पस है आप खुद से एनालाइज कर पाओ, ओके ओके। मेरा पर्पस है खुद से एनालाइज कर पाओ, ये नहीं कि यार सर निफ्टी में ये टारगेट ये स्टॉप लॉस, ये नहीं, खुद से एनालाइज कर पाओ। बिकॉज अगेन वापस कह रहा हूं, ट्रेडिंग लोनली जॉब है। आज मैं आपको बोल दूंगा ये बाय कर दो, 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, राइट। यहां पर बड़े बड़े ट्रेडर्स ड्रॉडाउन में जाते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स खुद को डाउट करते हैं, तो यहां पर कोई भी मार्केट इज सुप्रीम, राइट। आपको सिर्फ छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूं, किसी को मॉक नहीं कर रहा हूं इसमें, ठीक है। ये एक हेज फंड था, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूं। ये आपको क्यों बता रहा हूं, लेटर देख पा रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हो लेटर, देख पा रहे हैं लेटर, यस। तो देखो मैं क्यों बोल रहा हूं कि लर्निंग में फोकस कीजिए। आप ये देखो, ये कोई एक हेज फंड मैनेजर थे, काफी बड़े हेज फंड मैनेजर थे, 900 मिलियन डॉलर मैनेज करते थे। 900 मिलियन डॉलर मतलब हो गया 5-4, 5 हज़ार करोड़। इन्होंने 18% 19% का लगभग लॉस किया जनवरी में, फिर उन्होंने क्या लिखा है, ये आप लाइन पढ़िए, आई हैव लॉस्ट माई नॉलेज ट्रेडिंग एंड साइकोलॉजिकल एज, राइट। आई हैव रीच द स्टेज वेयर माई कॉन्फिडेंस द ट्रेडर इज लॉस्ट, राइट। एंड ये ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे ट्रेडर है, बड़े ट्रेडर है, राइट। लेकिन एक गलती होगी, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं किया, राइट। ऐसे बहुत सारी कहानी, हम आगे इसको और डिस्कस करेंगे, राइट। ये तो मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, ये तो रीसेंट है, आप सिर्फ ऑनलाइन जाएंगे। सी मैं क्यों बता रहा हूँ, राइट, बिकॉज एज अ ट्रेडर आप लोनली हो, चाहे आप हजारों कोर्स कर लो, डेली मेरे सेशन में भी आओ, मैं आपको सच कहूंगा, इन द एंड इट्स ओनली यू एंड द मार्केट्स। मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ, पर मुझे पता है कल आधे ज्यादा लोग तो अरे यार ये बोलता होगा, ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट करना है, नीचे जा रहा है तो बाई करना, बिकॉज ये आप बहुत सारे लोग वायर्ड है उस तरीके से, राइट। हम महंगी चीजें खरीद नहीं सकते और सस्ती चीजें खरीद नहीं, बिकॉज ये हमारा नेचर है कि नहीं। डिस्काउंट मिलते हैं हम भागते हैं, ये हमारा नेचर है। तो एज ए ट्रेडर वो सब जब तक इंप्रूव नहीं होगा, तब तक जो ट्रेडिंग में रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेंगे, राइट। इसलिए मैं बाकी की चीजों पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे पता है धीरे धीरे जो ओनली सीरियस लर्नर्स है वही एंड तक रहेंगे, और मुझे वही चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए ही नहीं जो ये सोच के आ रहे हैं कि नहीं सौरभ से टिप्स चाहिए, ये चाहिए, नहीं। सी टिप्स अगर आप चाहिए तो आप न्यूज चैनल देखो, आपको डेली हजारों टिप्स मिलेंगे, पर आप न्यूज चैनल पे ट्रेड्स लेके, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी प्रॉफिटेबल। सी नो डाउट न्यूज चैनल आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी देते हैं, बट
बाय द टाइम आप वो ट्रेड करते हो, चार्ट कहाँ कहाँ चले जाता है, राइट। तो आपको मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जेम्स कॉर्डियर करके, राइट, इन्होंने एक बुक लिखी थी द कंप्लीट गाइड टू ऑप्शन सेलिंग, राइट। देखो उनके साथ क्या हुआ, हाउ जेम्स कॉर्डियर वेंट फ्रॉम, उन्होंने 150 मिलियन डॉलर, 900 करोड़ का लॉस किया, 900 से भी ज्यादा, पूरा कैपिटल उड़ा दिया। उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला जिसमें अपने क्लाइंट को सॉरी बोल रहे, रो रहे हैं वीडियो। एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिस्क को मैनेज ही नहीं किया, नेचुरल गैस और क्रूड में ट्रेड्स ली, ट्रेड उनके अगेंस्ट चली गई, वो बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, एंड इन दी एंड जो उनकी बुक के रूल्स थे उन्हें ही फॉलो नहीं किया। ओके, सी मैं ये क्यों कह रहा हूं, बिकॉज हम इनसे सब सीख सकते यार, आगे जाके जैसे जैसे आप ग्रो करोगे। सी मैं ना अभी धोनी जी को मिला था इधर बैंगलोर में, तो एक जन ने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि यार हम ट्रेडिंग में जब पैसा बनाते हैं सक्सेस सर पे चढ़ जाती है एंड उसके बाद ही हमारे सबसे बड़े लॉस होते हैं, आप इतने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप जब इतने मैचेस बैक टू बैक जीतते हो तो अपने आप को हम्बल कैसे रखते हो कि यार वो सक्सेस सिर पे नहीं चढ़ जाए, वर्ल्ड कप जीत लिया बस अब तो सब कुछ जीत लेंगे। तो उन्होंने एक अच्छी चीज कही कि हमेशा प्रोसेस पे फॉलो, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आउटकम पे ध्यान मत दीजिए। सी आपका प्रोसेस है सही चीज है एज ए ट्रेडर करना, जिस दिन आपको सक्सेस दिमाग में चढ़ गई, सी हमने देखा एग्जाम्पल, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स लाइक अपना सब कुछ गवा देते। ये तो मैंने आपको दो छोटे ट्रेडर्स के नाम दिए, एक बड़े ट्रेडर का नाम नेक्स्ट टाइम दूंगा, जो नोबेल प्राइज विनर्स थे जिन्होंने आपका सब कुछ गवा दिया। तो सोचो ऐसे जीनियसेस अगर सब कुछ गवा सकते हैं तो हम तो क्या ही है, राइट। इसलिए ट्रेडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, एंड यहां पर अगर अपनी साइकोलॉजी पे काम कर लो तो आपको अच्छा सक्सेस मिल भी सकता है। तो क्योंकि आधे लोग तो नहीं करते, अगर आप उस प्रोसेस पे जाओगे अभी से डेली अगले 1 साल तक, सोचो कि भाई ठान लो मन में कि मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। एंड सी मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ, अफर्मेशंस, अफर्मेशन मतलब डेली सुबह उठकर सोचिए कि आई एम ऑलरेडी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। सी अब वो नहीं हो मुझे नहीं पता, बट ये सोचिए एंड उसकी तरफ वर्क कीजिए, एंड इन द एंड 6 महीने 1 साल बाद देखोगे एज अ ट्रेडर यू विल इम्प्रूव। ओके, सो वैसे मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं जब मैंने ट्रेडिंग चालू की 6 7 साल पहले, ना मेरे पास फॉलोअर्स है ना कुछ भी नहीं था, राइट, कोई जानता भी नहीं था। अगर मैं घर में बोलता भी था मैं ट्रेडिंग करता था, लोग बोलते थे यार वो तो ठीक है काम क्या करते हो, राइट, क्यों ट्रेडिंग 6 7 साल पहले तो आप ट्रेडर बोलते तो आपको भगा देते थे। लेकिन मैं ना विजुअलाइज करता था कि यार मैं टीवी पर आ रहा हूँ, मैं कॉलेजेस में जा रहा हूँ, राइट, एंड मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, मुझे आईआईटी से इनविटेशन आया, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएम बैंगलोर, देन वहां से पोस्ट डाले तो प्रॉप डेस्क का इनविटेशन आया कि यार हमारे ट्रेडर्स को भी सिखाओ, प्रॉप डेस्क को सिखाया। एंड तब तक ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता था, ठीक है, उनको सिखाया। फिर उनको सिखाने के बाद मैं सोचने लगा यार मैं टीवी पे आना चाहता हूँ, एंड लकीली आई एम नॉट किडिंग, मुझे टीवी वाले को सामने से मैसेज आया, एंड एक टीवी पे आना तभी तो ऐसा लगे, मुझे लगा यार ये तो क्या बड़ी बात, उसके बाद लोग पहचान लगे रहे तो टीवी पे आता है, राइट। देन स्लोली स्लोली अगर आप चीजों की तरफ वर्क करोगे आए, देन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज, मैंने नितिन कामत जी के पॉडकास्ट किया, राइट, मैं उनको लाइक 2014 से मतलब आई वाज अ फैन, राइट, बट लकीली उनको मिल पाया। देन सीएफए इंस्टीट्यूट का लोग क्वेश्चन पूछे, सीएफए इंस्टीट्यूट की सीईओ के साथ मैंने पॉडकास्ट किया। तो मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या स्टार्टिंग में गिव अप करते, अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करो कि यार एक एंड गोल माइंड में विजुअलाइज करो एंड डेली उसकी तरफ वर्क करो। गैम्बलिंग अगर करोगे ये सोच के कि भाई हीरो जीरो करूंगा ये करूंगा तो पैसा नहीं बनेगा ट्रेडिंग से, राइट। अगर आप ये प्रोसेस से आओगे कि नहीं मैं डेली डेली थोड़ा इंप्रूवमेंट करूंगा, जो मेरी गलती है उसको इम्प्रूव करूंगा, ट्रेंड के साथ रहूंगा, एंड विजुअलाइज करो, आपको 6 महीने 1 साल बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आते हैं, राइट, एंड ट्रेडिंग इतना डिफिकल्ट इसी वजह से है कि बस आप कोई बिजनेस चालू करते हो क्या, एक एक दो साल देते हो, बिजनेस एक्सपेंड होता है, क्लाइंट्स आते हैं, यहाँ पर क्या होता है डेली पता चल गया प्रॉफिट लॉस, तो आपको रिजल्ट भी इंस्टेंट आता है। तो लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इसके लिए इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, राइट, इसके लिए ट्रेडिंग और डिफिकल्ट हो जाती है। ओके, सो ये सेशन थोड़ा साइकोलॉजी की तरफ चला गया, बट आई होप सी बिकॉज ये सब भी इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आपको एक पर्सपेक्टिव मिल पा रहा है कि यार ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब
कि ट्रेडिंग में जो करोगे पैसा बन जाए। प्रोसेस फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, एंड इसमें हम डेली वही डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया ये सब पॉइंट्स, स्टॉप लॉस, एग्जिट, ठीक है। ओ, अब एग्जिट हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, यार एग्जिट कैसे कर, ठीक है, आज सब कुछ नहीं करते, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। मैं इसको पूरा मेंटेन करूंगा, 6 महीने तक ये पूरी शीट भर जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रा माइंडसेट हटाइए, ट्रेंड के साथ रहिए, स्टॉप लॉस क्या होता है वो समझ लीजिए, बेस्ट एंट्री कहाँ मिलती है, एटलीस्ट आपको ये पता नहीं कौन सा स्टॉक में बाई करना है, कौन सा स्टॉक में सेल, ठीक है। चलो, यस यस, मैं शीट भी शेयर करूंगा, स्कैनर के लिंक्स भी शेयर करूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, ठीक है, एग्जिट नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज हमें पहले बाकी चीजें कवर करनी होगी एग्जिट समझने से पहले, राइट। तो अब निफ्टी के चार्ट का सिर्फ सिंपल एनालिसिस कर लेते हैं। अब आप ही मुझे बताइए निफ्टी का ट्रेंड क्या है, बुलिश बेरिश? निफ्टी का ट्रेंड है बेरिश, ठीक है। अगर ट्रेंड बेरिश है तो कौन सा जोन है, अगर समझो कल गैप अप भी होता है तो जब तक इस 20 मूविंग एवरेज 650 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, चांसेस है कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड में नहीं बने, क्योंकि 650 पे सेलिंग है, प्लस ये दो रेड कैंडल का हाई भी है, येस और नो? तो देखो सब कुछ, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, 21,700 के ऊपर ही ट्रेंड चेंज होगा, एटलीस्ट इतना तो समझ में आ गया यार, 21,700, बिकॉज ये दो रेड कैंडल है, यहाँ पर लोगों ने सेलिंग की है, इसके ऊपर जाएगा तो सोचो। तो ठीक है, अगर निफ्टी भले, बहुत लोग क्या कहते हैं ऊपर खुल रहा है भाई कर ले, नहीं, निफ्टी को अभी एक बार के लिए हटा दो, ट्रेडिंग के लिए है ही नहीं निफ्टी, क्योंकि ट्रेंड नीचे है, राइट, ऊपर में सेलिंग जोन है। ओके, अब देखो निफ्टी बहुत, अभी ठीक है ये हो गया, अभी एक बैंक निफ्टी का, ठीक है, निफ्टी की एनालिसिस क्लियर हो गई, ट्रेंड समझ लिया एंड सेलिंग जोन कौन सा है वो समझ, ठीक है। बैंक निफ्टी, अरे यार बैंक निफ्टी तो बहुत ही दूर है 20 मूविंग एवरेज से, ये सुनो ट्रेंड क्या है, बेरिश है यार सर, ट्रेंड तो बेरिश है, और यहां पर तो शॉर्ट भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते शॉर्ट, यहां पर अगर आप शॉर्ट कर रहे हो स्टॉप लॉस क्या आ रहा है, 47,000, ये सुनो स्टॉप लॉस क्या आ रहा है, 47,000 कितना पॉइंट हो गया, ऑलमोस्ट 2,200 पॉइंट सर, इसको तो शॉर्ट यहाँ पे नहीं कर सकते, अगर कुछ रीजन के स्टॉप यहाँ पर 47 पे बेरिश कैंडल बना था तो एक एंट्री मिलेगी, यस और नो? तो यहाँ पर एटलीस्ट एक चीज समझ में आ गई कि बैंक निफ्टी अभी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ट्रेंड बेरिश है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक भी इतना गिर गया है, थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है, बहुत लोग बोल रहे हैं नीचे में 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट है, यस आई अग्री है, पर तो भी ट्रेंड तो अभी भी डेली में तो बेरिश है, राइट, हम तो डेली चार्ट से ट्रेड कर रहे हैं, राइट, तो यार ट्रेंड तो बेरिश है जब तक ये कैंडल का हाई है, देखो ये कैंडल का हाई तो पहले, सबसे पहले सेलिंग जोन 46,500, उसके ऊपर 47 पे इस कैंडल का हाई, तो जब तक 47 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है बैंक निफ्टी टाइम पास ही करने वाली है, मतलब ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, बजट तक आप लोग को परेशान करेगी, यस, एक कोई बड़ा ट्रिगर आएगा फिर मार्केट में शायद से ट्रेंड आ जाए या ऊपर या नीचे, ठीक है, क्लियर, इज इट क्लियर? तो एटली ये तो समझ में आ रहे हो कि यार किस स्टॉक में बाई करना है, किस में सेल करना है, तो बेसिकली बैंक निफ्टी आपको अवॉइड करना है, आपको बहुत चॉपी मूव मिलेंगे, आप देख लो डेली की रेंज 1,000-1,500 पॉइंट हो गई है, 1,000-1,500 पॉइंट में आप ट्रेड क्या करोगे, स्टॉप लॉस रखने जाओगे उतने में तो मार्केट इधर का उधर, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एज ए ट्रेडर आप लॉस डेज भी अवॉइड कर लो तो भी एक सक्सेस ही होगी, राइट, ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अब आप मेरा पॉइंट वापस समझ लो, 30 दिन पे जब बैंक निफ्टी ऊपर गई इंट्राडे में, यस और नो, गई कि नहीं, ये सुबह सुबह आप क्या करते, अगर आपने वेबिनार अटेंड किया, बाइंग का सोचते कि नहीं सोचते, नहीं सोचते, क्योंकि स्टॉक डेली टाइम फ्रेम में तो बेरिश ही है, अगर स्टॉक डेली टाइम फ्रेम बेरिश है तो आपको इंट्राडे क्लीन मूव्स मिलने के चांसेस कम है, एंड इसीलिए आपको देखो ये वॉलेटाइल मूव मिले, राइट, क्यों स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ऊपर हायर टाइम फ्रेम में तो सेलिंग जोन्स है, राइट, इसीलिए आपको क्लीन मूव नहीं मिल रहा है, राइट, एंड सपोज आप यहां पर आप पागल हो जाते, यहां पर बाई करते हैं स्टॉप लॉस हिट, यहां पर सेल करते हैं वापस ऊपर स्टॉप लॉस हिट, अगले दिन क्या हुआ, नीचे वापस ऊपर, यस और नो? मार्केट वही है पर आपके स्टॉप लॉस ऊपर नीचे दोनों साइड ले लिए,
यस। तो आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया था कि यार नहीं, इसमें अगर आप मेरे ट्रेड प्लान भी डेली फॉलो कर रहे हो, आप देखो मैंने इस दिन के पहले, ये दिन बना इसके पहले ही मैंने यहां पर बोल दिया था कि मैं रिवर्सल पे करूंगा, ऊपर जाएगी तो बेचूंगा, नीचे जाएगी तो सपोर्ट है। बस इसके पहले वाला दिन वॉलेटाइल जब भी होता है मैंने कहा, तो चांसेस है अगले दिन पे जो बायर्स फंसे रहते हैं यहाँ पर, जो बायर फंसा है वो एग्जिट करेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे बाइंग डिमांड आएगी, जो सेलर ऊपर में फंसा है वो सेल करेगा, तो यहाँ पर सेलिंग है। यस और नो? अब देख सकते हो मैंने व्हाट्सएप चैनल पे भी डाला था और यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी लर्निंग्स नोट कीजिए, बट एटलीस्ट आपको ये समझ में आ गया सी हमें यही तो बचना है एज ए ट्रेडर, हमें इसी से तो बचना है यार कि नहीं कहाँ पे बाई नहीं करना। तो आपको यहाँ पर रिस्क टू बी और फेवरेबल नहीं, तो बैंक निफ्टी निफ्टी इंट्रा ट्रेडिंग के लिए लिस्ट से ही हटा दीजिए, ट्रेडिंग के लिए कर ही नहीं सकते आप अभी। ओके, जब क्लियर ट्रेंड मिलेगा तब सोचेंगे। ओके, इज इट क्लियर? ओके, कोई पूछा 20 SMA के नीचे तो डाउन साइड प्ले कर सकते हैं? यस, प्ले कर सकते हैं, पर अभी के लिए हम तो ना शॉर्टिंग के साइड पर नहीं जाएंगे, बिकॉज शॉर्टिंग आप FNO के थ्रू ही कर सकते हो, राइट। एंड मेरा पर्पस है कि अभी मैं ज्यादा FNO में नहीं जाऊं, बिकॉज बहुत सारे यूजर नए भी है। एंड शॉर्टिंग क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कंफर्टेबली, मैं ऐसे ट्रेडर को जानता हूँ तो इतने बड़े साइज से ट्रेड करते हैं, पर बोलते हैं हमको शॉर्टिंग में नहीं कर सकता, मैं ऐसे बाइंग कर सकता, राइट। तो अभी हम FNO सेलिंग साइड में नहीं आएंगे, आगे जाके हम, मैंने सेलिंग का भी स्कैनर बना के रखा है, बट मेरा पर्पज है पहले हम लॉन्ग साइड को डिस्कस करें, बेरिश को अभी डिस्कस नहीं करते। ओके, क्लियर? तो हमारे लिए अगर स्टॉक 20 के नीचे तो मतलब हम बाइंग नहीं करें, क्लियर हो गया? ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब निफ्टी बैंक निफ्टी का पॉइंट्स क्लियर हो गया? यस। तो अगर मैं आपको, सपोज मुझे अगर टीवी पे कोई पूछता है, ठीक है, मुझे कोई बैंक निफ्टी का चार्ट देता है, तो कोई पूछता है कि सौरभ जी बैंक निफ्टी काफी गिर गया है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर बॉटम फिशिंग करनी चाहिए? तो मैं कहूंगा कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड अगर आप देखो डेली टाइम फ्रेम में बेरिश है, हालांकि एक पुल बैक निगेट नहीं किया जा सकता है 46.47 तक, पर आई थिंक अभी के लिए कोई भी बुलिश संकेत नहीं आया है बैंक निफ्टी में, ऊपर में काफी सेलिंग जोन है, तो मुझे नहीं लग रहा बजट तक कोई क्लियर ट्रेंड दिखेगा। एंड जब तक 47,000 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं आती है मैं ट्रेंड चेंज नहीं मानूंगा। तो आई थिंक यहाँ पर जो ट्रेडर्स है उनको स्कैल्पिंग या उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। ट्रेंड फॉलोअर्स के लिए आई थिंक कुछ दिनों तक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज मार्केट में ऊपर में सेलिंग जोन है, नीचे में थोड़ी बाइंग डिमांड है, जिस तरीके से मार्केट काफी गिरा है पिछले एक हफ्तों में, थोड़ा सा पुल बैक ऑन द अपसाइड आ सकता है। क्लियर? अब जो क्रिस्टल क्लियर आप एनालाइज कर पा रहे हो? ओके, ठीक है, तो आप भी डेली ऐसे चार्ट्स को ऑब्जर्व करके ट्राई कीजिए, ठीक है, बाद में हम इस पर एक्टिविटी भी रखेंगे। ओके, पूछा डे में कितने ट्रेड लेने चाहिए, सी वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो सी आज क्या डेट है, वो डेली 1-1.5 घंटा ही दे सकते हैं, पर मैं क्या करूंगा सब पॉइंट्स एक-एक करके, जो मैं ऑलरेडी करना भी डिस्कस, पोजीशन साइजिंग, राइट, इस पे हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, पोजीशन साइजिंग और एग्जिट। ओके, ठीक है, सी जितनी ज्यादा मुझे, मेरा पर्पस है कि कम लर्निंग दू, ताकि आप आगे जाके थोड़ा, आपको एक नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ छोटी लर्निंग मिले, बहुत सारी लर्निंग एक ही सेशन में दूंगा तो आप खुद भी कंफ्यूज। ओके, ठीक है, अब जो स्टॉक यार सब डिस्कस कर रहे हैं, HDFC बैंक, उसको देख लेते हैं। अभी के लिए कोई जॉब नहीं है, पर डिस्कस करेंगे यार HDFC बैंक। अब मैं आपको कहूं कि यार ये क्या है, ट्रेंड क्या है इसका, ट्रेंड क्या है बेरिश? HDFC बैंक में न्यूज आई, क्या न्यूज आई कि LIC 10% स्टेक HDFC में बाई करेगा, यस और नो? तो अब लोग सोचेंगे कि भाई बॉटम बन गया है, यस और नो? सी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से HDFC बैंक बुरा बुरा नहीं है, पर हम तो ट्रेडर है, राइट, हम तो अभी ट्रेडिंग की बातें कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अलग बॉल गेम होगी। तो आप जिस, आप देखो स्टॉक में 20 मूविंग एवरेज कहाँ है, 1600 पे है, यस और नो? तो यार ये स्टॉक थोड़ा बहुत तो ऊपर करेगा, बट मेरे मानने से इस स्टॉक में क्लियर अप ट्रेंड आना टाइम लगेगा, जिस तरीके से स्टॉक गिरा है, ऊपर में लोग फंसे हुए भी है, वो भी एग्जिट करेंगे, तो आपको क्लियर ट्रेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपका क्राइटेरिया अलग हो सकता है, बट एज अ ट्रेडर इस स्टॉक में बाइंग की कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहा, क्लियर? क्यों नहीं कर रहा है?
यार ऊपर में सेलिंग जोन है 1600 1650 राइट, तो और जब भी स्टॉक इतना गिरता है फास्ट, वो एक दिन में बॉटम आउट नहीं होता है, स्टॉक को बॉटम आउट करने के लिए कंसोलिडेट करना पड़ता है राइट, देन वो स्टॉक बॉटम आउट होता है, एक दिन में बॉटम जनरली नहीं बनता है। ठीक है सर। यार रेलवे स्टॉक्स पे क्या लग रहा है? अगेन सिर्फ हम डिस्कशन कर रहे हैं राइट, ऐसा नहीं है कि आप ये कोई टिप्स है ये है, बट आप देखो रेलवे स्टॉक्स का ट्रेंड क्या है, आप ही मुझे बताओगे क्या है ट्रेंड, इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है आरबीएनएल बुलिश, यहाँ पे बाई कर लूं 302 पे बाई कर लूं? नो, स्टॉप लॉस बहुत डीप आ रहा है, स्टॉप लॉस क्या आ रहा है यार, ये अगर 230 भी आता है ना तो भी ट्रेंड बुलिश ही रहने वाला है। यस, तो हमें क्या चाहिए एज अ ट्रेडर, जैसा कि हमने कोल इंडिया में देखा कि भाग तो गया, उसके बाद या तो साइडवेज हो जाए थोड़े दिनों के लिए, मूविंग एवरेजेस पास में आए एंड कोई ग्रीन कैंडलस्टिक बने तो हमें एक अच्छी एंट्री मिली राइट, यस और नो? तो अभी के लिए नो डाउट ये सब स्टॉक बुलिश है, बट यहां पर मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूं बाइंग करने के लिए, ऊपर जा भी सकते हैं ऐसा नहीं नहीं जाएंगे, बट यहां पर यार रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं ना, रिस्क रिस्क भी तो कुछ होती है, यहां पर मैं बाय कर लूं स्टॉक, स्टॉप लॉस बढ़ा है कैसे बाय करूं राइट, तो नेक्स्ट टाइम हम पोजीशन साइजिंग पे डिस्कस करेंगे। बट लीजिए आपको ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये अभी एक और देखते थे आईआरसीटीसी के साथ, अब आप देखो आईआरसीटीसी ये देखो स्टॉक में क्या हुआ, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बड़ी रेड कैंडल नहीं बनी, पर यहाँ पे देखो ये बुलिश कैंडल से सपोर्ट पे बन गई, ये सुनो तो अभी अभी आपको एक स्टॉप लॉस तो मिल रहा है छोटा सा राइट, यस और नो? तो रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज एटलीस्ट ये बेटर मिल रहा है राइट, ट्रेड लेनी नहीं लेनी हम एंड में डिस्कस लास्ट वापस डिस्कस करेंगे, बट एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ यार बाई कौन से लेवल पे करनी है जहां पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल हो। यस सी, यहां पर भी देखो ये कैंडल बनी थी राइट, यहाँ पे भी कैंडल बनी थी, इसको ट्रेड कैसे करना हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, बट एटलीस्ट अभी मेरा पॉइंट है कि आप समझ लो कि किसमें बाई करना है, यहाँ पे भी ट्रेड मिली थी देखो 2 दिन मूवमेंट राइट, तो ये नहीं कि ये रेड कैंडल बन गई जो ट्रेंड चेंज हो गया, एक रेड कैंडल ट्रेंड चेंज नहीं करता है, हमें जो हमारा सिस्टम है उसके साथ चलना है राइट, तो आरबीएनएल ये सब तो बिल्कुल भी ये नहीं है ठीक है, तो आईआरएफसी यार ये स्टॉक में क्या लग रहा है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड बाइंग करना चाहिए यहां पर? नहीं, तो यहां पर ही बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, क्या करते हैं अरे यार न्यूज में आ रहा है सब जगह आ रहा है यहां पे बाई कर लेते हैं, ये रेड कैंडल बनी फंस गए, बाहर भी हो गए ट्रेड से राइट, सी स्टॉक अप ट्रेंड में इसका मतलब नहीं बाई करो, आपको तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देखना है, यहां पर था कि नहीं पॉजिटिव रिस्क टू रिवॉर्ड, यही तो हमें चाहिए, ऊपर जाए साइडवेज हो जाए एंड देन अच्छी एंट्री मिली, यहाँ पर एंट्री मिली थी कि नहीं मिली थी जो मैंने हाईलाइट किया है? यस, एंड उसके बाद देखो ना मोमेंटम भी अच्छा है, 100 रुपए का स्टॉक 150 आ गया, अगर आप, मैं तो बोल रहा हूँ इसको राइड कैसे करना हम समझेंगे, आप थोड़ा भी इसको राइड करते आप सोचो ना आपको कम रिस्क में अच्छा रिवॉर्ड मिल गया, यस और नो? ओके कोई कह रहा है मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए, चलो अच्छी बात है, सो यही मेरा पर्पस है कि आप लोग में से थोड़े लोग भी अगर अपने डाउट्स क्लियर कर पाए, एक माइंडसेट शिफ्ट करें, ठीक है ठीक है, कोई बोल रहा है ऐसे में को टच नहीं है, ऐसे में को टच भले नहीं है बट आपको तो बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए राइट, बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ मिलेगा 20 SMA के आसपास राइट, ओके आई होप क्लियर हो रहा है, तो आज का जो एजेंडा था आई थिंक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, नेक्स्ट टाइम मैं इसी शीट को मेंटेन करते रहूंगा, इसी को हम समराइज करते रहेंगे, एंड सी मुझे काफी Q&A भी लेने पर आज ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है, तो काम करते हैं आज मैं समराइज कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप लोग एक Q&A लूंगा
राइट। एंड आपके जो फीडबैक है आप मुझे और बता सकते हैं, अभी कमेंट में डाल सकते हैं, या नेक्स्ट टाइम सर ऐसा कुछ प्रोसेस फॉलो कीजिए या ऐसी चीजें डिस्कस कीजिए ताकि हमें और हेल्पफुल रहे। ठीक है सी, क्योंकि अभी ऑलरेडी काफी लोग हैं, सबसे डाउट देना चाहूंगा तो काफी टाइम चले जाएगा, पर अभी मैं आपको सिर्फ एक समराइज कर लेता हूँ। ठीक है, एंड में हम हमेशा यही फॉलो करेंगे, बात कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, समराइज करेंगे, अगली बार आएंगे रिवीजन करेंगे, वापस कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसको समराइज करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आज एक ट्रेडर बनने के लिए नेक्स्ट टाइम क्लास सेम सैटरडे 11 बजे, हर बार यही टाइम पे रहेगी। ठीक है, देखो सबसे पहले एज अ ट्रेडर क्या करना है, कॉन्ट्रा माइंडसेट से निकलिए। ये बहुत सारे लोग, मतलब मैं इतने ट्रेडर से इंटरेक्ट करता हूँ, ये चीजें क्या टाइम लगेगी, बिकॉज हम स्कैनर में भेज दूंगा आपको। यार ट्रेंड तो समझ लिया, पर यार मैं बाई करता हूँ, स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, मैं ट्रेड से बाहर। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस ऐसा लेवल है, अगर वो हिट हुआ तो आपका आपके टाइम फ्रेम में आपका ट्रेंड चेंज हो गया। ओके, मतलब स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, अफोर्डेबल नहीं। ठीक है, तो बेस्ट एंट्री कहाँ करें, सपोर्ट के आसपास कोई बुलिश कैंडलस्टिक बन रही है, बेस्ट एंट्री। ठीक है, एग्जिट नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, पोजीशन साइजिंग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि ट्रेंड क्या है एंड मेजर सेलिंग जोन क्या है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत गिर गया तो बाइंग करेंगे, राइट। बैंक निफ्टी काफी गिर गया तो पुल बैक भी आ सकता है, बट अभी कोई बाइंग की कंडीशन नहीं मीट हो रही है, ना HDFC बैंक मीट हो रही है। तो ये स्टॉक से हमने डिस्कस किया कि भले ट्रेंड पॉजिटिव है, रिस्क टू रिवॉर्ड तो फेवरेबल ही नहीं है, राइट। पुल बैक आता है जैसा कि कोल इंडिया के एग्जाम्पल मिलेगा तो अच्छी एंट्री। क्लियर, नेक्स्ट टाइम इसी को और आगे बढ़ाएंगे और इसमें एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे, एंड विल मेक श्योर कि हम इसको एक कंटिन्यूस लर्निंग की तरह रखें। उसके जाने से पहले ठीक है, आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि कल से अगर आपको एज ए ट्रेडर सक्सीड करना है तो एक ट्रेड जर्नल मेंटेन करना चालू कीजिए, जिसमें आप क्या करेंगे कि आप जिसमें क्या करेंगे कि डेली आप नोट करेंगे कि आपने क्या किया है, बाई किया है, सेल किया है, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, एंड उस दिन का चार्ट को अटैच कीजिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, डेली बैंक निफ्टी का मैं ट्रेड करता हूँ, डेली बैंक निफ्टी का चार्ट डाल दिया इंट्राडे का, एंड एक लर्निंग डाल दी। ये लर्निंग हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि यार अगली बार आऊंगा तो मुझे पता चलता है कि यार ओके, ये गलती मुझे नहीं करनी, राइट। तो देखो मैं जब बैड ट्रेड करता हूँ, मैं लिखता हूँ बैड ट्रेडिंग, राइट। तो अगली बार ध्यान रखूंगा भाई, ये गलती नहीं करनी। ओके, तो ये आप मेंटेन कीजिए कि सबसे पहले तो ये मेंटेन कीजिए कि डेली एक ट्रेड जर्नल बनाइए, जो ट्रेड ली क्या लॉजिक से ली, क्या हुआ उसका फाइनल, चार्जेस भी डालिए। बहुत सारे लोग चार्जेस को काउंट ही नहीं करते, आधे तो अपने प्रॉफिट चार्जेस में चले जाते, चार्जेस भी डालिए। एंड कुछ लर्निंग है क्या यार, नहीं यार आज मैंने यार ये स्टॉक 100 पे तो लिया, मैं 102 पे निकल गया, मेरा स्टॉप लॉस भी इतनी हुआ था, स्टॉक 110 पे क्लोज हुआ, तो राइड योर ट्रेंड बेटर, वो एक लर्निंग डाल सकते। तो मतलब जो भी आपकी लर्निंग है उसको डालना चालू कीजिए, एंड आप 1 साल 6 महीने बाद देखोगे कि आपकी ट्रेडिंग अलग लेवल पे चली जाएगी। ओके, तो मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे आ सकते, तो वहां पे क्या कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आप, मैं अभी उसकी व्हाट्सएप चैनल की लिंक ग्रुप पे डाल देता हूँ। तो देखो मैं यूट्यूब पे तो वीडियोस बनाता हूँ, बट यूट्यूब पे क्या होता है, इंटरेक्शन नहीं हो पाता, मैं इतने बेसिक वीडियोस यूट्यूब पे नहीं बना सकता, राइट। मुझे थोड़े से लाइक, वरना ऑडियंस तो भाग जाएगी, बोले ये क्या है यार बोर कर रहे हैं। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है राइट, उसकी लिंक इसमें डाल देता हूँ, या तो आप मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को देख सकते हैं, राइट। उस व्हाट्सएप चैनल पे आ जाइए तो क्या कम्युनिकेशन ईजी रहेगा, वरना मुझे क्या ईमेल करूंगा, आधे लोग ईमेल देखते नहीं है, राइट। तो एक कम्युनिकेशन थोड़ा ईजी होगा, मैं यहाँ पे चैट में डाल देता हूँ लिंक को, आप इस पे ज्वाइन हो जाइए, मैं बाकी सब अपडेट्स वहीं देते रहूंगा तो ईजी रहेगा। ठीक है, देखो मैंने व्हाट्सएप की लिंक किसी ने डाल दी ऑलरेडी, ठीक है, थैंक यू, तो मैंने भी डाल दी, आप ज्वाइन कर लीजिए वो, तो इससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन ईजी रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप आज का सेशन इंसाइटफुल रहा होगा। अगेन कह रहा हूँ, कोई टिप्स के लिए सेशन नहीं है, पर्पस है कि धीरे धीरे जो भी लर्निंग थी, छोटी छोटी गलतियां सुधारे, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि अटेंड करोगे तो सक्सेसफुल बन जाओगे, पर एटलीस्ट ये मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो यू विल स्लोली स्लोली मूव टुवर्ड्स द 10% पाथ। ठीक है, सो आई होप आपको इंसाइटफुल लगा होगा, डाउट्स क्लियर होंगे, थोड़ा सा नया पर्सपेक्टिव मिला होगा, एंड विल कीप कंटिन्यूइंग दिस, कीप मेंटेनिंग दिस जर्नल, एंड ध्यान
धीरे धीरे 1 महीने 6 महीने बाद मैं आपसे भी पूछूंगा कि ये स्टॉक पे क्या राय है, आप मुझे आंसर करो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सैटरडे को आप आए, सो बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू। ओके, हाउ टू बिकम सीएफए, ये हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है।